بسم الله الرحمن الرحيم. القرآن حياتي. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाह, सूरह अनआम के बिल्कुल आखिरी रुकू पर हम हैं और अल्लाह सुबहान ताला से दुआ है कि अल्लाह सुबहान ताला ने इन आयतों में या पूरी सूरत में जिस चीज़ को करने का हुक्म दिया है उसको करने की तौफीक, अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए, और जिससे मना किया है अल्लाह ताला उसे रुकने की तौफीक अता फ़रमा दे इंशाल्लाह। देखते हैं बिल्कुल आखिर रुकू में अल्लाह सुबहान ताला ने क्या अहम पैगाम हमें दिया है इंशाल्लाह। देखते हैं आयत नंबर 162-165 इंशाल्लाह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون। और जो आए नेकी लेकर तो उसके लिए 10 गुना अजर होगा उसके नेकी का, और जो आए गुनाह लेकर तो नहीं बदला दिया जाएगा मगर उतना ही, और उनका कुछ भी नुकसान नहीं किया जाएगा। सुभानअल्लाह, कितनी प्यारी बात है। देखिए आयत नंबर 161। قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين। ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनसे फरमा दीजिए बेशक मुझे हिदायत दी गई है मेरे रब ने सीधे रास्ते की, और ये कौन सा सीधा रास्ता है? दीन इंतहाई सीधा, और मिल्लत यानी तरीक़ा इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, जो यक्सु थे और नहीं थे वो मुशरिकों में से थे, मुशरिकों में से। आयत नंबर 162। قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ। आप ये भी फरमा दीजिए बेशक मेरी इबादत, मेरी सारी कुर्बानियाँ और मेरी ज़िंदगी और मेरी मौत सिर्फ अल्लाह, तमाम जहान रब अल्लाह के लिए है। आयत नंबर 163। لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين। नहीं कोई शरीक जिसका, यानी वो तमाम जहान का रब अल्लाह जिसका कोई शरीक नहीं है, और इसी का मुझे हुक्म दिया गया है और मैं सबसे पहले फरमाबरदार बनकर रहूँ। आयत नंबर 164। قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون। ऐ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ज़रा इनसे पूछिए क्या अल्लाह के सिवा मैं तलाश करूँ कोई और रब, हालांकि वही रब है हर चीज़ का, और नहीं कमाता गुनाह या सवाब कोई शख्स मगर अपने ही लिए, और नहीं बोझ उठाएगा कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे के गुनाहों का बोझ,
फिर तुम्हारे रब की तरफ लौटना है तुम सबको, फिर वो खबर दे देगा तुम्हें उसके बारे में जिसमें तुम इख्तलाफ किया करते थे। आयत नंबर 165। بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم। अल्लाह वही ज़ात है जिसने बनाया तुम्हें खलीफा ज़मीन में और बुलंद किया तुम्हें एक दूसरे पर दर्जात में, और इसलिए कि वो आजमाता रहे तुम्हें उसमें जो कुछ उसने अता किया है। बेशक आपका रब बहुत तेज़ हिसाब करने वाला है, यानी हिसाब मुहासबा करने वाला है, और बेशक वो यकीनन मगफिरत करने वाला और बार बार रहम करने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह सुभान तआला ने सूरह अनआम को मुकम्मल करवा दिया। इंशाल्लाह आज सूरह अनआम का जो है वो आखिरी रुकू लेंगे, आखिरी आयतों पर हम हैं। और जैसे कि मैं बार बार आपको बताती हूँ, जब अल्लाह सुभान तआला किसी सूरत को शुरू करते हैं तो बहुत अहम पैगाम देते हैं, उसी के साथ साथ जो है वो जब एंड होता है कोई सूरे का तो वहाँ पर भी बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज होता है। और अल्लाह का शुक्र है कि हम सूरे अनआम के इख्तिताम पर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखते हैं इन आयतों में भी किस तरीके से अल्लाह सुभान ताला ने कुछ ज़िंदगी गुजारने के कुछ उसूल यहाँ पे बताए हैं, जो अपने रसूल को मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने हुक्म दिया, तो हमें भी कोशिश करना चाहिए उसी पर अमल करने की इंशाल्लाह। तो आयत नंबर 160 में देखते हैं अल्लाह सुभान तआला क्या फरमा रहे हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अम्सालिहा। कितनी खूबसूरत बात है, देखिए अल्लाह सुभान तआला कहते हैं कि ये कयामत की बात है असल में, कि जो कोई भी शख्स वो नेकी लेकर आएगा तो उसके लिए 10 गुना अजर होगा उसकी नेकी का। हाँ, लेकिन जो आएगा गुनाह लेकर तो नहीं बदला दिया जाएगा मगर उतना ही दिया जाएगा, और उनका कुछ भी नुकसान नहीं किया जाएगा। देखिए आपको याद है कि बिल्कुल हमने सूरत के शुरू में और कुछ मीड में एक आयत पढ़ी थी अल्लाह सुभान तआला के ताल्लुक से, कि अल्लाह सुभान तआला ने अपनी रहमत को अपने ऊपर लाजिम कर लिया है। उसकी रहमत में से एक ये भी रहमत है, देखिए, कि जो इंसान एक नेकी करता है तो अल्लाह सुभान तआला 10 गुना उसको बढ़ा कर देते हैं उसका अजर, और जो इंसान बुराई करता है तो उसका बदला उसे सिर्फ एक ही बुरा दिया जाता है, एक ही बदला दिया जाता है। आपको अल्लाह की रहमत झलक रही है इसके अंदर। देखिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एक हदीस का मफहूम, कि जो जिसकी इकाइयां उसकी दहाई पर अगर भारी हो जाए ना तो वो बर्बाद हो गया। मतलब इकाई यहाँ पर क्या है, बुराई। बुराई करते जा रहा है, करते जा रहा है, करते जा रहा है, और अपने दहाई यानी कि अपने नेकियों के जो अजर को वो बढ़ा नहीं रहा है, तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, उसके बुराइयों का पलड़ा ज्यादा भारी हो गया। देखिए इतनी खूबसूरत बात है कि 10 नेकियों में से भी अभी बंदे ने सिर्फ इरादा किया है, और नेकियां देखिए यही नहीं, पहली बात तो इंसान नेकियों का कॉन्सेप्ट क्लियर करे। लोग समझते हैं भाई नमाज पढ़ लिए, रोजा रख लिया, हज कर लिया, चलो हो गई नेकी। नहीं, छोटी सी छोटी चीज पर जो आप किताब व सुन्नत के लिहाज से करते हैं वो सारी चीजें आपकी नेकियों में लिखी जाती है। लेकिन शर्त क्या है कि उसको करने के पीछे सिर्फ अल्लाह की रजा शामिल हो। मैं ये काम क्यों कर रही हूँ, अल्लाह की रजा के लिए। नेक अमाल में भी देखिए कि बहुत ज्यादा जो है इंसान को केयरफुल रहना चाहिए, और कहीं कहीं रिवायतों में आता है कि बिल हसना क्या है, ये कलमे तौहीद है, कि जो इंसान कलमे तौहीद को पढ़कर उस पे जिंदगी गुजारता है, उससे इस इकामत रखता है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो अमाल करता है, तो अल्लाह सुभान तआला उसको बढ़ा कर देते हैं।
नेकियों के देखिए कि बहुत सारे शेड्स हैं। यहाँ पर तो एक हल्की फुल्की सी वजाहत अल्लाह सुबहान ताला ने की कि एक नेकी के बदले में 10 अजर तो डेफिनेटली मिलेगा। लेकिन और देखिए और नेकी के क्या क्या जो है वो हमको आयतें मिलती सूरतुल बकरा में कि जो अल्लाह के रास्ते में 1 रुपया खर्च करेगा तो अल्लाह सुबहान ताला उसको 700 गुना बढ़ा कर देंगे। ये भी नेकी की एक शक्ल है। इसी तरीके नमाज के ताल्लुक से ले लें, आप किसी की मदद के ताल्लुक से ले लें, क्या कुछ हमें जो है वो किताब और सुन्नत पे नहीं मिलता है नेकियों के ताल्लुक से। अभी सिर्फ आपने इरादा किया, आप पढ़ रही हैं आयतें, आप इरादा कर रही हैं कि आपके अंदर एक जोश आया, आपके ईमान का लेवल बढ़ गया, ओहो अल्लाह सुभान तआला मुझसे ये फरमा रहे, आपने सिर्फ इरादा किया कि मैं ये इंशाल्लाह नेकी करूंगी। ठीक है, देखिए इंशाल्लाह जरूर कहें कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई ताकत नहीं है कि जो आपको नेकी की तरफ ले जाए और बदी से रोके। तो इसीलिए हमको जो है इरादा करने के बाद पूरा पूरा तवक्कुल अल्लाह सुभान तआला पे रखना चाहिए। क्या होता है इंसान जब इरादा करता है और उस नेकी को नहीं कर पाता है? बहुत सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल सी बात कि जो इंसान ये सोचकर कि भाई मैं इसको करने का पूरा पावर रखता हूँ, मेरे पास पूरी ऑथोरिटी है, वो सब होने के बावजूद भी कभी कभी इंसान उस काम को नहीं कर पाता है। बिहाइंड दिस देयर इज ए रीजन के आपने उस इरादे में तवक्कुल अल्लाह सुभान ताला पे कितना किया, ये चीज ज्यादा अहमियत रखती है। तो कोशिश करें जब भी आप किसी भी अच्छे काम का इरादा करें तो खुद पर भरोसा ना करें कि नहीं आई कैन डू दिस, मैं सब कुछ कर सकती, नहीं, अल्लाह तेरी मर्जी के बगैर मैं कुछ नहीं कर सकती। आपने इरादा किया, एक नेकी जो है आपके ऊपर लिख दी गई, सुभान अल्लाह, अमल कर लिया, 10 नेकी लिख दी गई, बताइए कितना हो गया, 11, इरादे पे एक। लेकिन अल्लाह की रहमत देखिए, जब इंसान किसी बुराई का इरादा करता है तो उस बुराई की बदी लिखी नहीं जाती उसकी जब तक कि वो उस पर अमल ना कर ले। अच्छा अमल भी कर लिया ना तो एक ही उसकी बदी लिखी जाएगी, एक ही उसकी जो है वो सजा लिखी जाएगी। ऐसा नहीं है कि मतलब उसने इरादा किया और देखिए अगर उसने इरादा किया ओके कुछ नहीं लिखा गया, और अगर इरादे के बावजूद उसने नहीं किया तो उसकी नेकी लिखी जाएगी। क्यों? क्योंकि बुराई का इरादा किया लेकिन उसको उसने अमल नहीं किया। सुभान अल्लाह, ये अल्लाह की रहमत है। देखिए नहीं तो इंसान सोचिए कि बर्बाद हो जाए, न जाने हमारे दिमाग में क्या 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 चलते रहता है, सोचिए हम क्या क्या इरादा करते रहते हैं। इसी के साथ साथ देखिए कि और भी ऐसे बहुत सारे वजूहात है। फॉर एग्जाम्पल इरादा था ना आपने किसी काम को करने को, फॉर एग्जाम्पल इसे अक्सर एक एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे आपके हाथ में आज का जो है सोर्स ऑफ मीडिया जो भी आपके हाथ में मोबाइल पकड़ लें आप, तो आपने सोचा कि चलो भाई अब मैं कुछ ऐसी फहश मूवी देखती हूँ या कुछ ऐसा देखती यू नो एकदम बिल्कुल। आपने क्या किया, शुरू करने की कोशिश की, मोबाइल नहीं चल रहा है, डेटा नहीं चल रहा है, यहाँ तक कि आप वो जो आपका समझो फोन स्विच ऑफ हो गया, हद दर्जे आपने कोशिश कर ली कि है मुझे ये देखना था मैं नहीं देख पाई। आ रही बात समझे? यहाँ पर तो बदी आपकी लिखी जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने इरादतन उस काम को किया, वो काम नहीं हुआ दैट इज डिफरेंट फॉल्ट, अल्लाह ने बचाया कि वो डेटा आपका नहीं चला, वो वीडियो नहीं चली या कुछ भी यू नो इस तरीके से। तो बहुत छोटी सी मिसाल है, ऐसे तो बहुत सारी चीजें हो सकती है ना कि आपको कोई अगर बुरी जगह पर ले जा रहा है और आप वहां चली गई, इरादतन आप गई, तो इरादतन आप गई तो फिर बदी आपके लिखी जाएगी। ऐसा नहीं करें, कोशिश करें अपने, सोचिए ये आयतें मुझे और आपको हमारे दिल पर भी कंट्रोल सिखा रही है और हमारे जहन पर भी, मेंटली एंड फिजिकली भी हम अपने आप को बिल्कुल कंट्रोल में रखें। ठीक है, तो ये देखिए कि ये यहाँ पर दलील मिल गई कि इंसान एक नेकी करता है तो अल्लाह सुभान तआला 10 अजर उसको देते हैं, और एक कई जगह पर तो ये भी आया कि अल्लाह सुभान तआला और बढ़ा कर देते हैं, सुभान अल्लाह। तो ये ना सोचे आपकी मतलब चलो भाई 10 तो मिलेगा, ऐसा नहीं, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई होते रहेगा। आपने कोई अच्छी चीज सीखी, आपने अल्लाह के कलाम से सीखा, किसी और को जाकर आपने बताया, उस बंदी ने अल्लाह के हुक्म पर अगर अमल किया, आपको आपका 10 मिल रहा है प्लस उसका 10 भी आपको मिल रहा है, कितना हो गया 20 हो गया। उसने किसी को आप बताया, उसको तो 10 मिल रहा है उसका, वो जो अमल कर रहा है उसको मिल रहा है, आपको तो 30 मिल गया। सोचिए बिल्कुल भी घाटे का सौदा नहीं है। नेकियों को आम करें। आज देखिए कि बदी को बुराइयों को आम करने वाले बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे,
हमको उनमें नहीं शामिल होना है, हमको ऐसे लोगों में काम नहीं करना है जो बिल्कुल आम दर्जे पर होता है। मैं इस पर भी एग्जाम्पल ही देती हूँ लोगों को कि देखिए कि अगर दुनिया के लिहाज से हम देखते हैं तो आम चीजें हम पसंद नहीं करते ना, कॉमनली नो आई वॉन्ट ब्रांडेड चीजें, या फिर जो सब लोग यूज करते हैं मैं वो यूज नहीं करूंगी। कुछ लोगों की ये मेंटेलिटी होती है तो नेकियों के बारे में ऐसा क्यों नहीं सोचता इंसान? दुआ किया करो, अल्लाह कॉमन नेकिया तो सारे लोग करते हैं, अल्लाह मुझे उसके साथ साथ, ठीक है, उसके साथ साथ मुझे तो आसन दर्जे की नेकी करने की तौफीक अता फरमा, मैं अच्छे अच्छे अमल करूँ। ये नमाज पढ़ना तो कॉमन नेकी है, मैं भी पढ़ रही हूँ, लोग भी पढ़ रहे हैं, फर्क क्या है मुझ में और लोगों में? अल्लाह तुम उससे वो काम ले जो तूने अपने अंबियाओं से रसूलों से लिया, तेरे दीन का काम दूसरों तक पहुंचाने वाला, और जहां मैं जाऊं मुझे शर से बचा, मैं शर फैलाने से बचूं, खैर ही खैर रख दे मेरे अंदर, ये मांगो अल्लाह से। अल्लाह मैं जहां जाऊं खैर फैला कर रहा हूँ, मुझे लोगों में खैर बांटने वाला बना दे। इंशाल्लाह आप जहां जाएंगे आपकी जबान से कभी भी ऐसे कलिमात नहीं निकलेंगे जो किसी के बुराई का सबब बने, जो किसी के शर का सबब बने। ये चीजें अल्हम्दुलिल्लाह मैं मांगती हूँ अल्लाह से, अल्लाह जहां तू दाखिल करे तो तू खैर के साथ दाखिल कर, जो जबान से बातें निकले खैर की बातें निकले, कभी लोगों के बीच में मेरी वजह से ना इत्तेफाकिया ना हो, लोगों के दरमियान मेरी वजह से कभी लड़ाई झगड़े ना हो, ये मांगे अल्लाह से, शऊर के साथ मांगे इंशाल्लाह। मसीह अल्लाह सुभान तआला बोल रहे, देखो जो जो भी कमा कर लाएगा उस पर कोई भी जुल्म नहीं किया जाएगा, नुकसान नहीं किया जाएगा। बताइए अगर कयामत के दिन जहन्नम में इतनी आयतें पढ़ने के बाद भी, समझने के बाद भी अमल ना करे और जाए जहन्नम में, तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं इसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं है, इसमें जो है मतलब मेरा कोई भी ये जो इरादा नहीं था कि मैं इन पर जुल्म करूं। चलिए करे क्या इंसान, फिर करिए वही जो अल्लाह सुभान ताला ने 161 में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया है। क्या हुक्म है? कुल इन्नी हदानी रब्बी इला सिरातिम मुस्तकीम। ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए कि बेशक मुझे हिदायत दी मेरे रब ने सीधे रास्ते की तरफ। सुभान अल्लाह, ये गवाही तो आप खुद भी दे सकती हैं कि अल्लाह तेरा शुक्र है इस किताब को समझने के बाद, उसको पढ़ने के बाद, मेरी जिंदगी में ये आने के बाद, या अल्लाह बेशक तूने भी जो है वो सिराते मुस्तकीम की तरफ जो है वो मेरी रहनुमाई कर दी। ठीक है, इस बात की गवाही आपका दिल खुद देगा। और ये कौन सा सिरातल मुस्तकीम है, कैसे इंसान इसके ऊपर चल सकता है, उस बात को भी अल्लाह सुभान तआला ने यहाँ बता दिया है। और वो क्या है? दीनं कय्यमं मिल्लत इब्राहीम हनीफा। और ये सिरातल मुस्तकीम पर तुम्हें चलना है तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ दीन इंतहाई, ये जो दीन दिया गया मिल्लत इब्राहीम का तरीका, जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तरीका जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करने को कहा गया है, अल्लाह बोले बिल्कुल सीधा दीन है। पूछिए जरा अपने आप से, पूछिए पूछिए कि अल्लाह मैं जिस दीन पर अमल कर रही हूँ क्या ये सीधा है? देखिए अगर ये दीन सीधा ना होता जिस पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अमल किया तो अल्लाह सुबहान तआला अपनी किताब में कभी भी इसका हुक्म नहीं देते। और क्यों अल्लाह ने दिया? क्योंकि वो हनीफ थे। हनीफ का मतलब क्या होता है? बिल्कुल फोकस्ड पर्सन, बिल्कुल यकसू होकर उन्होंने कभी भी ताका झाकी नहीं की, यहाँ वहाँ चलो भाई यहाँ से जरा कुछ फायदा मिल रहा है मैं यहाँ पर कुछ देख लूँ, वहां से कुछ फायदा मिल रहा है मैं वहां देख लूँ, नहीं, बिल्कुल एक रुख होकर वो अल्लाह सुभान ताला की तरफ फोकस्ड रहे। जब कभी भी अल्लाह सुभान ताला ने हुक्म दिया उनको कि असलम, तो फौरन उन्होंने कहा असलम तू बी रब्बिल आलमीन, कि अल्लाह मैं अपने आप को सरेंडर करता हूँ तमाम जहान के रब के लिए। और कौन थे ये? इब्राहिम अलैहिस्सलाम। वह मकाना मिनल मुशरिकिन। सुभान अल्लाह, देखिए जो रब ताला अपने किसी बंदे के बारे में ये गवाही दे दे वह मकाना मिनल मुशरिकिन, इतना बड़ा यकीन करिए ये प्रोटोकॉल है इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए। इतने बड़े एजाज की बात है कि अल्लाह सुभान ताला खुद उनके बारे में गवाही देते हैं कि वो मुशरिकों में से ना थे। कितनी प्यारी बात है। मुझे ये बात इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से अल्लाह सुबहान तआला के ज़बानी बहुत खूबसूरत लगती है। अल्लाह सुबहान तआला वही मज़ीद इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। असल में यहाँ पर इन आयतों का आने का क्या मकसद है, ये देखिए कि ये अहले मक्का जो थे ना, तो ये लोग यानी कि कहते ही तो अपने आप को कहते थे कि हम जो है वो उनकी नस्ल से हैं, या हम उनसे निस्बत जोड़ा करते थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम से। ये मक्का वालों का अकीदा पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम से बिल्कुल डिफरेंट था, तौहीद पर नहीं थे ये लोग। तो अल्लाह सुभान तआला बोल रहे नहीं,
तुम तो शिर्क करते हो, जबकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो मुशरिक नहीं थे। ठीक है, तो उनके यानी कि फिर उसके बाद उन्हें बिल्कुल कॉमन मैसेज दिया जा रहा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू 162 में, फिर इंसान कौन सा अकीदा अपनाए। चलिए आज मुझे और आपको भी जो पता चलेगा कि मुझे और आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू कौन सा अकीदा जो है वो अपनाने को कहा गया है, और वो अकीदा क्या है। قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ। बहुत बहुत सारे खूबसूरत आयतों में एक ये खूबसूरत आयत, बहुत ही खूबसूरत। देखिए कि इस अकीदे पर जो है हमें हर लम्हा जिंदगी गुजारनी चाहिए। अगर आपने इन चार चीजों की रोशनी में अपनी जिंदगी को गुजार लिया, आपकी जिंदगी का एक एक सेकंड इबादत में लिख दिया जाएगा इंशाल्लाह। और उसी के साथ साथ देखिए ये आपको महसूस होगा, इस आयत के बाद आपको फील होगा, ये पूरी सूरत मुझे और आपको ये मैसेज दे रही है कि अल्लाह के बंदे बन के रह जाओ। ऐ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए, क्या कहिए कि इन्ना सोलाती, बेशक मेरी इबादत, मेरी सारी कुर्बानियां, मेरी जिंदगी और मेरी मौत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही के लिए है जो तमाम जहानों का रब है। चलिए अपने आप को टटोले जरा, बिल्कुल इन चार पांच बातों पर रख के अपने आप को देखें, क्या मेरी इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए मखसूस है? मेरी बंदगी क्या सिर्फ अल्लाह के लिए मखसूस है? इसको कैसे जांचू मैं? तो बस सिंपल सा एक क्राइटेरिया अपने लिए रख लीजिए आप, कि आप अल्लाह का कहना कितना मानती है और अपने नफ्स का कहना कितना मानती है। अगर आप नफ्स का कहना मानती है तो आप नफ्स की बंदी हैं अपने, आप शैतान को फॉलो कर रही हैं, क्योंकि शैतान नफ्स को फॉलो करना सिखाता है। और यहाँ पर अगर हम दीन इब्राहिम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करेंगे तो ये तरीका हमें अल्लाह का बंदा बनाना सिखाता है। और उसके बाद क्या है, नुसुकी। नुसुकी देखिए कि कुर्बानी, अब कुर्बानी का वर्ड हमारे सामने आते ही हमारे जहन में बकरे की कुर्बानी, ऊंट की कुर्बानी, भेड़ की कुर्बानी ये आती है। नहीं, यहाँ पर उस कुर्बानी के साथ साथ और भी उन तमाम चीजों की कुर्बानी की बात है जो अल्लाह सुभान व तआला ने आपको दी है नियामतें। इन शॉर्ट के आपको जो भी अल्लाह सुभान व तआला ने दिया है आपकी जिंदगी में, उसको आप अल्लाह की कुर्बत हासिल करने के लिए सर्फ कर दें। बात ये है, ठीक है, सब कुछ जो है अल्लाह ने आपको जो कुछ भी दिया है, चाहे वो वक्त हो आपका, चाहे माल हो, सेहत हो, औलाद हो, कुछ भी, कोई भी चीज हो, उसको आप जो है अल्लाह सुभान ताला की कुर्बत हासिल करने का जरिया बना लें। टटोलिए अपने आप को, अल्लाह सुभान ताला ने जो कुछ मुझे दिया है, क्या ये तमाम चीजों को मैं अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए या उसकी मारिफत, उसकी कुर्बत हासिल करने के लिए इस्तेमाल करती हूँ? बहुत अच्छी बात है, माशाल्लाह, वेरी गुड। ठीक है, नंबर थ्री, महयाया का मतलब क्या है कि मेरी जिंदगी का जो आगाज है, मेरी जिंदगी की जो शुरुआत है, वो भी तेरे लिए है, और मेरी मौत का जो अंजाम होगा, यानी यहाँ पर आप कहिए कि स्टार्टिंग एंड एंडिंग, ये सब अल्लाह सिर्फ तेरे लिए है। देखिए इस रोशनी में जिंदगी गुजार कर देखिए, वाकई जिंदगी आपकी बहुत नूर वाली हो जाएगी। अपने आप को इन शॉर्ट में ये कहूंगी कि अल्लाह के हवाले कर दें। इंशाल्लाह जब आप आखिरत में इसका बदला देखेंगे अल्लाह के सामने, और जब अगर इस रोशनी में जो लोग नहीं जिंदगी गुजार दें, देन उसके बाद वहां जाकर जब अल्लाह सुभान अल्लाह के सामने देखेंगे तो अफसोस करेंगे कि अल्लाह मैं इतनी वैल्यूएबल थी और मैंने अपने आप को दुनिया के हवाले कर दिया था, और अल्लाह अगर तू मुझे खरीद लेता तो मैं भी मोमिनों की कैटेगरी में आ जाती। सूरह तौबा में जैसे अल्लाह सुभान अल्लाह 111 में फरमा रहे ना, तो मांगा करें अल्लाह तू मुझे खरीद ले, मैं जन्नत के बदले में तेरे हाथों बिकना चाहती हूँ, अल्लाह तू मुझे खरीद ले। फिर देखिए जिसे रब ताला खरीद ले तो क्या वैल्यू होगी ना उसकी, दुनिया में भी होगी और आखिरत में भी होगी। और क्या हुक्म दिया गया, ला शरीक लहू, नहीं मैं किसी को भी शरीक करता हूँ। यू नो वो रब्बुल आलमीन कौन है कि जिसका कोई शरीक ही नहीं है, ये देखिए
इतना खूबसूरत रब है वो कि जिसका कोई साथी नहीं है, जिसका कोई पार्टनर नहीं है। अल्लाह ताला बताते हैं, वह और मुझे ये भी हुक्म दिया गया, वह भी ज़ालिका उमीर तू आना अव्वलुल मुस्लिमीन ना, और इसी का मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं सबसे पहला मुसलमान बनूं। सुभान अल्लाह। आज देखिए कि मुझे और आपको ये कहने की जरूरत है लोगों को कि लोगों, आज मैंने अल्लाह के कलाम को समझ लिया, आज ये आयत मेरे पास आ गई है, मैं सबसे पहले इसको मानने वाली बनती हूँ। देखिए, अंबिया और रसूलों की जिंदगी फूलों के बिस्तर वाली जिंदगी नहीं थी, फूलों के रास्ते वाली जिंदगी नहीं थी। सगे रिश्तेदार जो है वो दुश्मन बन जाते थे, एक तौहीद पर रहने की वजह से सगे रिश्तेदार छोड़कर चले जाते थे। तो यहाँ पर इतनी बड़ी बात कहना, ये बहुत बड़ी बात है कि तुम्हें मानना है मानो, नहीं मानना है नहीं मानो, लेकिन मैं तो सिर्फ उसी का जो है वो फरमाबरदार बनकर रहूंगा। और देखिए, हर नबी ने यही पैगाम दिया, यस, कि वा अना अव्वलुल मुस्लिमीन। आपको हर नबी के साथ ये जुमला इंशाल्लाह जरूर पढ़ने को मिलेगा। आगे इंशाल्लाह हम सूरह आराफ में और बहुत सारे कसस में, सौफात में, अम्बिया में, सूरह अम्बिया में, इन तमाम सूरत में इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि किस तरीके से सारे अंबियाओं ने इसी बात की गवाही दी कि जो ये पैगाम हमारे पास रब तआला की तरफ से आया है तो हम इसके सबसे पहले मानने वाले बनते हैं। सुभान अल्लाह। देखिए कि एक बात हमेशा याद रखें कि 24 घंटे का मुसलमान बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए भाई, ये सौलाती, ये नुसुकी, महया ममाती कब आएगा आपकी जिंदगी में? जब आप रस्मी मुसलमान ना बनते हुए 24 घंटे का मुसलमान बनेंगे। एंड हाउ इट इज पॉसिबल? यस, इट्स पॉसिबल। कैसे? आप सुन्नत पर अमल करना शुरू कर दे। देखिए, क्योंकि सुन्नत वो मैजिक मैग्नेट है कि जब ये आपकी जिंदगी में आता है ना, तो आपकी जिंदगी में खैर ही खैर आ जाती है। तो इस मैजिक मैग्नेट को अपनी जिंदगी में लाकर अमल करने की कोशिश करें इंशाल्लाह, ठीक है? और ये जो है मैजिक मैग्नेट आपको हिदायत की तरफ ले जाएगा। देखिए कि तो सिंपल सी बात कहूंगी कि अपनी जिंदगी को वक्फ कर दे अल्लाह के लिए। एक एक सांस अल्लाह ने जो कुछ दिया है वो, एक एक चीज, एक एक लम्हा, एक एक सेहत अल्लाह सुबहान तला ने आपको जो दी है वो वक्फ कर दे अल्लाह के रास्ते में। ये बहुत फायदे का सौदा होगा आपके लिए, इसमें घाटा कहीं भी नहीं है आपके लिए। अच्छा, ना दुनिया में ना आखिरत में। दुनिया में आपको ऐसा लगे, हाय मेरा इतना टाइम जा रहा है, कुरान की क्लास के लिए जा रहा है, पढ़ने पढ़ाने में जा रहा है, इसका जब आखिरत में आप बदला देखेंगे तो हैरत रह जाएंगी, बहुत हैरत होगी आपको। तो कोशिश करें अपनी जिंदगी को अल्लाह के रास्ते में वक्फ करने के लिए। होता क्या है पता है, जो ही आप ये इरादा कर लिए ना, चलो भाई ठीक है, अब वो हो, मेरे ईमान का लेवल बूस्ट हो गया है, मैं तो अभी बहुत भरी हुई हूँ ईमान से, अभी मैंने इरादा कर लिया, चलिए ठीक है, अच्छी बात है, आपने कमिटमेंट कर लिया, आपने इरादा कर लिया। लेकिन अगले ही पल क्या होगा? वही होगा जो आयत नंबर 164 में बताया जा रहा है, कुल अगैरा वाही अबगी रब वहुवा रब्बु कुल्ली शय। अब क्या होता है, जो ही इंसान जब तौहीद की तरफ आता है, सिरातल मुस्तकीम की तरफ आता है, तो पीयर प्रेशर, लोगों के ताने, समाज उनसे रूठने लगता है। क्यों? क्योंकि रब ताला राजी होने लगता है। ऐसी हालत में मुझे और आपको क्या जवाब देना है? वही जो अल्लाह ने सिखाया है, ठीक है? देखिए कि जब लोग है ना अल्लाह का बंदा बनने से रोके ना, तो आप भी यही कहें, अच्छा क्या अल्लाह को छोड़कर मैं कोई और रब तलाश कर लूं, जबकि ये अल्लाह तो मेरा वो रब है जिसने हर चीज को पैदा किया है, जो हर चीज का रब है। अरे बात समझ में? आपको कोई अगर रुकावट डाले, आपको अगर किताब और सुन्नत पर अमल करने से कोई रोके, तो आप ये जवाब दें उनको, वो रब इतना खूबसूरत अल्लाह जिसने मुझे जिंदगी दी, सब कुछ उसने मुझे अता किया, उसको छोड़कर मैं किसी और को पुकारूं? देखिए, ये अल्लाह सुभान तआला कह रही है, जवाब दो लोगों को। जबकि देखिए, उनको ये भी बताइए कि देखो जो मैं करूंगी उसको मुझे मेरा मिलना है, आप जो करोगे वो आपको मिलना है। क्यों? क्योंकि वला तकसिबु कुल्ल नफ्सिन इल्ला अलैहा, और नहीं कमाता है गुनाह या सवाब कोई भी शख्स, कोई भी जान, मगर अपने ही लिए। आ रही बात समझ में? आप अच्छा करोगे आप अपना बनाओगे, आप बुरा करोगे आप अपना बिगाड़ोगे। इन आयतों को दलील बनाइए लोगों के सामने। और एक बात सुन लो,
कुछ लोग फिर देखिए कि आपको ख्वाब दिखाते हैं। अरे जो करने का है तुम कर लो, हमारी जेबें गरम करते रहो, तुम्हारे लिए ये भी जायज है वो भी जायज है, ये भी कर लो वो भी कर लो, तुम्हारे गुनाहों का बोझ हम अपने पीठ पर ले लेंगे, हम तुम्हारे गुनाहों का बोझ उठा लेंगे। ये पीरी मुरीदी के चक्कर में आज बहुत सारे मुसलमान जो है मतलब भटके हुए हैं। ऐसे लोगों को अल्लाह सुब्हान तआला जवाब देते हैं, सुन लो, वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़्रा उख़्रा, और नहीं बोझ उठाएगा कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे के गुनाह का बोझ। देखिए दुनिया की सबसे सच्ची और खूबसूरत किताब में बात लिखी है, समझने वाले इंसान के लिए इतनी सी बात काफी है कि किसी के गुनाहों का बोझ कोई दूसरा शख्स नहीं उठाएगा, उसको खुद उठाना है अपने सारे गुनाहों का बोझ। और होगा क्या, एक वक्त आएगा कि गुनाहों का बोझ उठाते उठाते सुम्मा इला रब्बिकुम मर्जिउकुम फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम फीही तख्तलिफून, फिर तुम्हारे रब की तरफ लौटना है तुम्हें, फिर वो खबर दे देगा उसके बारे में जो तुम इख्तलाफ किया करते थे। इख्तलाफ किस चीज का था भाई? यही ना कि भाई सुन्नत पे अमल कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, पीर साहब की बात माने, वली की बात माने, शख्सियत की बात माने, किसकी बात माने, जाओ इख्तलाफ में पड़े हो ना, जबकि खुली खुली दलील तुम्हें दी जा रही है, निजात तुम्हारी सिर्फ और सिर्फ किताब और सुन्नत में है, फिर भी तुम इख्तलाफ कर रहे हो। इख्तलाफ क्या है? डिफ्रेंशिएशन, कि भाई पता नहीं ये सही बोल रही है कि नहीं बोल रही है, मैं इनकी बात पे अमल करूं क्या नहीं करूं। कोई बात नहीं, सब्र करे, अल्लाह ताला बोले आओ मेरे पास, सब लग पता जाएगा तुमको, सब बातों का मैं खुलासा कर दूंगा। और उसके बाद बिल्कुल आखिर आयत में इतना इम्पोर्टेंट मैसेज अल्लाह सुबहाना ताला दे रहे हैं, फरमा रहे अल्लाह सुबहाना ताला, वहुवल लजी जअलकुम खुलाइफल अर्जी वरफअ बअदुकुम फौका बअद दरजात। क्यों भाई? इसलिए लियबलुवकुम फी मा आताकुम, रब ताला तो वो जात है उसी ने बनाया तुम्हें खलीफा जमीन में और बुलंद किया तुम्हें एक दूसरे के ऊपर दर्जात में। क्यों? इस बात को आज अगर आप समझ लें, यकीन करें आप इसको लिख सकती हैं इस आयत को, अगर आपके दिल में किसी के लिए हसद पैदा ना हो तो इस आयत पर अमल कर लें। ये फॉर्मूला है हसद से बचने के लिए, ठीक है? किसी को आपको नुस्खा देना है, किसी को फॉर्मूला देना है, भाई बहुत हसद से भरा हुआ दिल है, दूसरों की नियामतों को देखकर जलता है कुड़ता है हसद करता है, तो ये फॉर्मूला दे दें उसको। देखो भाई अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, अल्लाह सुभान ताला बता रहे हैं, देखो मैंने तुम्हें जमीन में टेम्पररी बेस पे खलीफा बनाया। खलीफा कौन होता है? जिसको देखिए कि टेम्पररी बेस पे कोई ओहदा दे दिया जाए, कोई पावर दे दिया जाए, लेकिन परमानेंटली नहीं। क्यों? क्योंकि इस जमीन पर जिस रब ने जमीन को पैदा किया है, परमानेंटली पावर तो सिर्फ उसी का है, ठीक है? इंसानों को अल्लाह ने खलीफा बनाया है एक टेम्पररी बेस पे, भाई ठीक है तुम इस अल्लाह की जमीन पर रहो और उसने जो नियामतें दी है उसको इस्तेमाल करो, ठीक है चलो। लेकिन यहाँ पे इंसानों में अल्लाह सुभान ताला ने दर्जात में किसी को बहुत ऊपर किया है और किसी को बहुत नीचे किया है। चलिए आज एक बात का खुलासा हो जाएगा इस आयत में कि लोग किसको कहते हैं कि मतलब जिसके पास कुछ नहीं है उसके लिए आजमाइश है। हाँ बोलते ना आई डोंट हैव, यानी जिसके सोचता है इंसान कि मेरे पास कुछ नहीं है मतलब मेरी आजमाइश हो रही, नहीं। अल्लाह सुभान तआला तो ये कह रहे हैं कि मैंने दर्जात में एक दूसरे को जो है वो दर्जात ने बुलंदी दी है, और क्यों दी है? लिया बलुआकुम मा फी मा आताकुम। देखिए जरा, इसी तरह वो आजमाता है तुम्हें उसमें जो उसने तुम्हें दिया है। देखिए क्या पता चला, जिसके पास कम है वो भी आजमाइश में और जिसके पास ज्यादा है वो भी आजमाइश है। ये दुनिया का एक उसूल है ऐसा कि भाई हमारे पास ज्यादा है तो हमारी कोई आजमाइश नहीं होगी, तुम्हारे पास नहीं तो तुम्हारी आजमाइश होगी, नहीं। अल्लाह सुब्हान तआला तो बोल रहे हैं भाई जिसको दिया उसको आजमाऊंगा मैं। अब सोचिए जरा आप, जो कुछ भी, एक सीधा सा एक जुमला लिख लें यहाँ पर कि हर नियामत इंसान के लिए एग्जामिनेशन पेपर है। जो भी अल्लाह सुब्हान तआला ने आपको इस जिंदगी में दी है, जो भी नियामतें, वो सब आपके लिए एग्जामिनेशन पेपर है। ईच एंड एवरीथिंग, चाहे वो औलाद होने दो, इल्म होने दो, माल होने दो, खूबसूरती होने दो, सेहत होने दो, टैलेंट होने दो, आपका कुछ भी होने दो, ईच एंड एवरीथिंग। देखिए कि कभी किसी का बच्चा पैदा होता है ना, तो कोई ये जाकर नहीं कहता है कि ओहो भाई अब तुम्हारी आजमाइश शुरू हो गई, जबकि वाकई उसके लिए आजमाइश शुरू हो जाती है। देखिए अब जिसके पास माल है तो इसीलिए तो उसका सही इस्तेमाल कर ले इससे पहले कि वो आजमाइश में डाला जाए। किसी के पास समझिए कि अगर औलाद नहीं है तो बचा हुआ है, औलाद है तो बल्कि आजमाइश है उसके लिए। कोई देखिए कि अगर
बीमार नहीं है तो ठीक है, सेहत है तो उसके लिए आजमाइश है कि उस सेहत का क्या इस्तेमाल करता है वो, है ना। आजमाइश असल में नियामत मिलने पर शुरू होती है, और लोग समझते हैं कि नहीं नियामत मिल गई तो हम बरी हो गए, अब तो हमारी कोई पूछ गुछ नहीं होगी। कुछ नहीं, यस होगी, डेफिनेटली होगी, अल्लाह ताला बोल रहे हैं। आज ही लिस्ट बनाए कि व्हाट आई हैव, क्या क्या मेरे पास है, अच्छा ये चीज मेरे लिए आजमाइश है, अच्छा अल्लाह सुभान तआला इस तरीके से मुझे आजमाएंगे। सारी चीजों को अपनी नजरों के सामने रखें और ये कहें कि जो भी चीजें अल्लाह ने आपको दी है सारी चीजें आपके लिए एग्जामिनेशन पेपर है कि अल्लाह ने आपको दे दिया, अब आप उसको कैसे सॉल्व करते हो, दैट मीन्स आप उसका क्या इस्तेमाल करते हो, आप किस तरीके से उसको टेक ओवर करते हो, कैसे हैंडल करते हो। ठीक है, तो ये बात हमेशा याद रखें और दुआ करें इस आयत पे कि अल्लाह जो भी नियामतें तूने मुझे दी है, देखिए ये इससे होगा क्या पता है आपको, इससे ये होगा कि अगर आपके दिल में किसी के लिए हसद का एक मादा है तो वो खत्म हो जाएगा। देखिए आप किसी के लिए सोच रही है, ओहो भाई इसका तो इतना बड़ा घर है, ये वो भाई ये तो इसके लिए आजमाइश है, मैं तो नहीं इसकी तमन्ना करती हूँ, मैं तो अल्लाह वो नियामत दे जो मैं तेरी आजमाइश से बच जाऊं ना। एक शऊर इंसान के अंदर पैदा होता है कि किसी की नियामत को देखकर वो हसद नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है अल्लाह ने इसको दिया है तो ये इसके लिए इसके अंदर इसमें आजमाइश है। यस डेफिनेटली आजमाइश है, अल्लाह सुभान तआला खुद बिल्कुल सूरह अनाम की आखिरी आयत में कह रहे हैं 165 में, मजीद अल्लाह तआला बोल रहे हैं और ये भी सुन लो, इन्ना रब्बका सरीउल इक़ाब, और बेशक आपका रब बहुत तेज है हिसाब करने में। अल्लाह अकबर, कोई ये ना सोचे कि भाई यहाँ जो खा पी के खत्म कर दिया या फिर जैसा चाहे जो अल्लाह की नियामतों का इस्तेमाल कर लिया, चलो हमारी तो कोई पूछ गुछ नहीं होगी, कोई हमारी पकड़ नहीं होगी या हमारा कोई हिसाब नहीं होगा, इम्पॉसिबल। अल्लाह ताला बोल रहे नहीं, मैं बहुत चुस्त हूँ, मैं बहुत जल्दबाज हूँ हिसाब जो है वो करने में। ठीक है, हाँ लेकिन वह इन्नहु लगफूरुर रहीम, ये देखिए दो सिफत अल्लाह सुभान ताला की एक साथ आई है और इसी के साथ साथ यकीनन मैं गफूरु रहीम भी हूँ। आ रही बात समझ में, यानी अगर तुमने इस नियामतों का सही इस्तेमाल किया, मेरी आजमाइश में खड़े उतर गए, तो यस डेफिनेटली मैं बख्श भी दूंगा, तुमको माफ भी कर दूंगा थोड़ी बहुत अगर कमी बेशी या कोताही हो गई तो। कितने खूबसूरत अंदाज में अल्लाह सुभान ताला ने इस सूरत को हमारे सामने पेश किया। अब देखिए कि सूरत की शुरुआत कहाँ से हुई थी, अल्हम्दुलिल्लाह से हुई थी। पूरी सूरत जो है हमें ये सिखा रही है कि इंसान अपने अंदर शुक्र का मादा रखे और शुक्र बंदगी मांगती है। यू नो जो इंसान वाकई अल्लाह का बंदा होगा वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का शुक्र अदा करेगा, ना कि यहाँ वहां जाके माथा टेक के जो है वो शुक्र अदा करेगा। और उसी के साथ साथ अल्लाह ने जो है गफूर रहीम पर अपनी आय अपनी सूरत का इख्तिताम किया। आई दुआ करते हैं अल्लाह सुभान तआला से कि सूरत से जो भी हमने पैगाम लिया, अल्लाह सुभान तआला मुझे आपको हर सुनने वाले को उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। जिस चीज से अल्लाह ने रुकने को कहा तो अल्लाह सुभान तआला हमें रुकने की तौफीक अता फरमाए, और जिसका हुक्म दिया गया है उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तआला से दुआ करें कि अल्लाह हमें अपना बंदा बना ले, समाज का माशरे का बंदा ना बनाए, अपना बंदा बना ले, क्योंकि अल्लाह की बंदगी में ही निजात है। इंशाल्लाह आमीन। جزاكم الله خير واخر الدعوان الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته। अब्बा मैं तेरी रहमत की उम्मीदवार हूँ, फिर मुझे एक लम्हे के लिए भी मेरे नफ्स के हवाले न कर और मेरे सब हालात संवार दे, क्योंकि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है। अब्बा मैं तुझसे नफे बख्श इल्म, पाकीज़ा रिज़्क और कबूल होने वाले अमल का सवाल करती हूँ। अब्बा मुझे फ़ायदा दे उसके साथ जो तूने मुझे सिखाया है, और मुझे सिखा जो मेरे लिए फ़ायदेमंद हो, और मेरे इल्म में इजाफा फरमा दे। आमीन। अब्बा मेरे गुनाहों को बख्श दे, मेरे घर में वुसअत फरमा और मेरे रिज्क में बरकत अता फरमा। अब्बा मुझ पर मेरे बुढ़ापे के करीब और मेरे उम्र के खात्मे तक अपना रिज्क उशादा कर रखना। अब्बा मेरी किफ़ायत को अपने हलाल के साथ अपने हराम से बचा, और मुझे अपने फजल से अपने सिवा हर किसी से बेनियाज कर दे। आमीन या रब्बी। अल्लाह जो रिस्क तूने मुझे अता किया है
उसमें मुझे इनायत और बरकत अता फरमा और मुझे हर गायब होने वाली चीज़ का बदला भलाई के साथ अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। ऐ अल्लाह, कोई काम आसान नहीं मगर जिसे तू आसान कर दे, और जब तू चाहता है मुश्किल को आसान कर देता है। ऐ अल्लाह, इन दुआओं के साथ मैं तुझसे दुआ करती हूँ कि तेरी किताब को समझना हम पर आसान कर दे, तेरी किताब को समझकर उस पर अमल करना हमारे लिए आसान कर दे। इंशाअल्लाह, आमीन या रब्बल आलमीन। सुभानल्लाहि व बिहमदिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين يا رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته।